मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो और साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है, और उत्तर में बाबा समझाते कि सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो, आशीर्वाद नहीं मांगनी है लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट बिलवेड बाप तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिल जाएगी, उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है, बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसी को समझ में नहीं आएगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ ही ना सके। ऐसे कोई सत्संग होता ही नहीं जहां मनुष्य जाए और कुछ ना समझें, वहां तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह है बड़े से बड़े कॉलेज, नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है ही नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो, अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आधी मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही, यह तो सर्टन है। बरोबर हम इस भारत को फिर से दैवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है, पूछते हैं ना। बीके फट से कहती हैं कि हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं, श्रीमत पर। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है, क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी हैं, ये सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचता को जानते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं यह किसी की बुद्धि में भी नहीं है। वह तो समझते हैं कि कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा, पहले सूर्यवंशी कुल फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। तुम किसी को भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता है क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य शूद्रवंशी कुल बन जाते हैं, पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए, यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी।
तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत जरूरी है, तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है कि सत्युग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले ये ज्ञान नहीं रहता है, बच्चों को समझाया है यह परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले ये नहीं बताया कि बिंदी रूप है, बिंदी रूप कहते तो तुम समझ ही नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में एक मिनट में मोटर तैयार हो जाती है, कितनी साइंस निकली है। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, और फिर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो खान पान झरमुई जगमुई में ही टाइम वेस्ट होता है। यह तुम जानते हो भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है, भारत दैवी राजस्थान बन रहा है, इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है, हर एक में 5 विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं, फिर हरेक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है, धंधे धौरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है। परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है, गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं, भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है, सत्युग त्रेता में तो गायन होता ही नहीं। बाप समझाते हैं हे आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं, यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, और फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, गिरना जरूर है। मुख्य है ये चक्र, चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सत्युग है। यह चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सत्युगी राजधानी में होंगे, कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति सकते हो। भारत दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है, सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। यह चित्र बहुत वैल्यूएबल है, कितनी वंडरफुल चीज है तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आए तो इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हर एक बच्चे के पास यह चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हों। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको राजयोग सिखलाते हैं,
चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री में मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं, तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं, हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं, बौद्ध धर्म वाले कितनों को बौद्धि बना देते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को मंदिर से मंदिर लायक बनाते हो। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं, सत्यों में तो थोड़े होंगे ना। संगम पर ही पापा कर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं और फिर रावण पर जीत पाते हैं, कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए, यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे ना। बाबा ने समझाया है, ऐसे कभी भी किसी को नहीं कहना कि भक्ति ना करो। नहीं, बाप का परिचय दे समझाना है तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती नहीं। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है, उनके साथ तुम मददगार हो। प्राइज भी तुमको मिलनी है, बाप को थोड़ी प्राइज मिलती है। बाप तो है देने वाला, तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे, तुम अभी प्योरिटी पीस प्रोस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है जानते हो? जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाबा है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं कि बाबा आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है या तो आग में चलना पड़ेगा। देह सहित सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है, टाइम लगता है। गाया भी हुआ है योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है क्योंकि गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। उसमें राज योग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बिगर कोई कह ना सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। जानते हो हम सब आत्माएं वहां परम धाम में निवास करने वाली हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पति से पावन बनाने, इसलिए ही सब मुझे याद करते हैं कि पतित पावन आओ। यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागवान बाबा है, बाबा का हमने हाथ पकड़ा है। इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विशेष सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहां विष होता ही नहीं, इसलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। भारत निर्विकारी भारत था।
अब वह विकारी बना हुआ है। यह चक्र भारत के लिए ही है, भारतवासी ही चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते। वह तो पिछाड़ी में आते हैं, यह बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए, सर्विस करके दिखाओ। विलायत में भी चित्र जाएं तो नाम भला होगा, विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिल वाचान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने झरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गवाना है। और सेकंड पॉइंट, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सेवा सर्व द्वारा महिमा होना। बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म और सेवा का प्रत्यक्ष फल है कि सर्व द्वारा आपकी महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चटियां हैं, कोई फाइनल मंजिल नहीं है, इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता है त्याग के भी त्यागी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।